empty town. We're searching for the lost and found. But you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air, like a blazing flare.
say it like that. If I hate you, then find someone new. Baby, but you know I never will. No, so I choke you down just like a. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस PUBG Battleground Unknown फील्ड में। मैं हूं कैली और मैं हूं निर्वाणा। तो यहां पे शशांक बुंडे क्या बोल रहे हैं भाई, स्टार्ट थोड़ा सा तो रुक जाइए, थोड़ा वेट कर लीजिए। जी हां, ये हमारे सहायक कमेंटेटर हैं जो बोल भी रहे हैं और साथ ही साथ टाइप भी कर रहे हैं। जी हां, जो सुन नहीं पा रहे हैं वो देख सकते हैं। आपको लगता है हमारे प्लेयर सुन नहीं पाते हैं या हमारे दर्शक गण सुन नहीं पा रहे हैं? तो जैसे कि वो उनके कान बिल्कुल हिरन की तरह है। तो कल जैसे कि लेटेस्ट मैप आया जिसमें 52 प्लेयर टोटल एंटर कर सकते हैं और नया 15 मिनट का गेम है। अगर आप खेलना चाहेंगे तो हम संडे को रख सकते हैं दो मैचेस। हाँ, बहुत बढ़िया मैप है। आपको उसमें सारे गन मिलते हैं और दूसरे में कॉम्बिनेशन बना रखा उन्होंने सारे मैपों का। उसमें आपको बर्फीले एरिया से लेकर रेगिस्तान तक दिख जाएंगे। जी हाँ, जल्दी से जल्दी 2-4 मिनट में गेम स्टार्ट किया जाएगा। तो जल्दी से जल्दी आ जाइए, भर जाइए, UK07 हंटर एक्स का कोई साथ दे दीजिए, आ जाइए। जी हाँ, और यहाँ पे बिट्टू वन को आए हैं और UK07 के हंटर एक्स अकेले ही रहेंगे। माटुंगा के मटक टोजो का है, माटुंगा के मटक टोजो जरा डालते हैं डिस्कॉर्ड में। माटुंगा के मटक टोजो गए कहाँ? माटुंगा के मटका टोजो मुझे लगता है मटका ना फुट रहे होंगे, मटक मटक के मटका टोजो गायब भी हो गए। माटुंगा के मटक टोजो, मटका मटका फोड़ो टोजो, वो मेरे को लगता है मटका टोजो आज मैप अपडेट ना होने के कारण वो वैसे रहते यही कहीं है, आपको ही दिखते हैं सिर्फ, बाकी पूरी मटका टोजो यहाँ कहते हैं कि मैं यही हूँ, आप ढूंढिए मुझे। यहाँ देखिए क्या भेजा गया। स्वामी रामदेव, सदगुरु की बाइक की सवारी करो नील के मालिक। यहाँ पे स्वामी रामदेव और सदगुरु बाइक पर, जी हाँ ये है पबजी स्टार। तो हमारे डिस्कॉर्ड से जुड़े रहे और लेटेस्ट अपडेट पाते रहे कि आजकल दून शूटर्स में चल क्या रहा है। जी हाँ, तो ये जानते रहे ना अगर आप। जी हाँ, ये जाग किस तरफ रहे? जी हाँ, ये है कोरोनिल के मालिक जा रहे हैं जड़ी बूटियां लेने, बबूत लेने। जी हाँ, मुझे लगता है, जी हाँ मुझे लगता है ये बाइक में सीधा जा रहे हैं आपका जर्की की तरफ। तो हमें मुझे नहीं लगता आज किस ऑफ प्लेयर होंगे, सब पे अपडेट होगा कि नहीं होगा भाई, किसी के पास क्योंकि कमेंट के माध्यम से मैंने एक चीज भी देखी है, वर्जन अपडेट नहीं है। जी हाँ, हाइड्रो पावर कह रहे हैं कि वर्जन अपडेट नहीं है तो दिक्कत है आ रही है उन्हें। मैप चेंज किया करो यार, बिल्कुल करेंगे बॉबी रावत, बिल्कुल भाई। आप क्या कौन सा मैप खेलना चाहते हो तो कमेंट के माध्यम से बताएं। जी हाँ, कमेंट के माध्यम से बताएं। मेरे ख्याल से आप कौन कौन से मैप खेला चाहते हैं तो हम अगले दिन वही रखेंगे ना वोटिंग सिस्टम। डिस्कॉर्ड में बात किया करो, ये वाला मैप करिए, वो वाला मैप करिए, तो हम आपके हिसाब से, क्योंकि हम आपको ही आप ही के लिए तो है। जी हाँ, मगर रैंगल इसलिए कराते हैं वहाँ के चप्पे चप्पे कोने कोने से हर कोई वाकिफ है, ये भी पता है कि यहाँ पे किसने पान खा के थूका हुआ है। जी हाँ, तो इसी के साथ घर में सीढ़ियों से निकलते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे थूक रखा है ये, तो इसलिए आपको क्या लगता है कि अभी बंदे आने वाले होंगे? ये नहीं लगता है कि आज ज्यादा आएंगे क्योंकि अब तक ले बढ़ जाना चाहिए ये सब। मैं ये कहना चाहूंगा आज जो शिफ्ट नहीं हो पा रहे और आज जो लोग शिफ्ट नहीं मतलब आ नहीं पा रहे, तो मैं चाहता हूँ जो सिंगल सिंगल स्लॉट में वो टीम के साथ ज्वाइन कर लें। जी हाँ जी हाँ, मुझे जहां तक लगता है कि सबके पास मतलब 2.5 GB यूज डेटा रेट, क्योंकि वो होता है ना सर, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि डेटा पैक सबका 2 GB का नहीं होता, कहीं की लिमिट होती, कैप होती है पर डे की। जी हाँ जी हाँ, तो पर डे में ही आपके पास 1.5 GB कैप है, 1.5 GB का बाउंडेशन लगाइए, तो 2 GB का अपडेट कैसे करेंगे? तो उसके लिए आपको मुद्राएं देनी पड़ेंगी दुकानदार को और कंपनी से आपको एक्स्ट्रा GB लेके आपको, अगर आपके पास वाईफाई की सुविधा है तब ज्यादा बढ़िया है। और मुझे लगता है जो लोग मेरा अभी भी निवेदन है, जो लोग सिंगल सिंगल स्लॉट में है वो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि थोड़ी देर में मैच स्टार्ट होने वाला है, 89 प्लेयर्स हो चुके हैं। जी हाँ, मात्र 2 मिनट रह चुके हैं, 2 मिनट में गेम हम स्टार्ट कर देंगे। दो मिनट सिर्फ 2 मिनट में, जल्दी कीजिए, सिर्फ 2 मिनट में स्लॉट भरने वाले। Team 4 में 2 खाली है, Team 3 में 2 खाली है। आज मुझे लगता है जिस हिसाब से मैच होने वाला है बेहतरीन और बढ़िया होगा, मात्र 2 मिनट में। ये क्या मैगी का ऐड चल रहा है मुझे नहीं पता, मगर आपको बढ़ जाना चाहिए।
स्टार्ट और शिफ्ट कीजिए आप। मुझे लगता है कि माइक की आवाज बहुत तेज हो गई थी तो शायद लोगों के कान भी फट गए, तो मैंने अभी कम कर दी है। आप टेंशन मत लीजिए, हम जब चिल्लाएंगे तो आपके कान नहीं फटेंगे। तो मौत का कुआं बना दिया था आपने। हाँ जी हाँ, तो चले तो तो मुझे लगता है कि मैच क्या स्टार्ट कर देना चाहिए जी। मात्र 2 मिनट में, मात्र 2 मिनट में। ये 2 मिनट का भी स्टार्ट होंगे, मैं चाहता हूँ ये जो एक दो सिंगल प्लेयर है शिफ्ट हो जाए। भाई स्टार्ट कर दे, टीम बर्न पा रहा हूँ। अच्छा तो टीम बर्न पा रहा, यहाँ पे गर्मी का माहौल बनाना चाहते हैं, तो क्या होगा आज स्टार्ट होगा? पारा बढ़ रहा है, भयंकर लग रहा है। टीम बन पा रहा है कि मुझे टीम दिखाओ पहले, है कौन से? अच्छा टीम नंबर सेवन में है, टीम बन पा रहा है। टीम बन पा रहा है टीम नंबर सेवन में, और कौन कौन है उनके साथ? टीम नंबर सेवन में है। हाँ यहाँ सेवन में जलेंगे, सेवन में है टीम बर्न, बिल्लू टीम बर्न, बड़ी टीम बन पा रहा और वेजिटा बीटीसी। जी हाँ, तो यहाँ पे वेजिटा बीटीसी भी आए आज, तो मुझे लगता है स्टार्ट कर देना चाहिए। पारा तो गिनती उल्टी गिनती शुरू होने वाली है, 5 4 3 2 1 लेट्स बिगिन द मैच। स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे, इट्स टेक सम टाइम टू सिंक्रोनाइज योर अवतार विद योर सोशल नेटवर्क। तो घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी देर में पबजी आपका जो अवतार है वो प्रस्तुत करता है दर्शकों के बीच में। आपको चाहिए वो खतरनाक हथियार जिनसे आप दूसरे का काम। ये खतरनाक हथियार की बात तो नहीं करे जो इन्होंने पकड़ रखा खोपड़ी मास्टर ने? ना ना, ये तो मैं ऐसी दिखता भी नहीं इसकी तरह। जी हाँ, तो अगर आप इसे रियल लाइफ में देखेंगे ना, जो इसके तीर होते हैं ना भेद के निकल जाते हैं। जी हाँ, मैंने इसे रियल लाइफ में भी देखा हुआ है, ये बहुत खतरनाक चीज है। मगर इतना मतलब इसके पास में अगर आप हैं तो आपकी अतनियां पार करके निकल जाएगा, मगर आपको मिलेगा नहीं इतनी आसानी से। एगोन एरिस के साथ किंग बक्शी ने टीम अप किया है। जी हाँ, एगोन और एरिस के साथ है आज यहाँ पे मेजर ध्यानचंद, किंग बक्शी और इनके साथ है और भी बहुत सारे। मुझे लगता है नए अपडेट के साथ नए बग भी आए होंगे। नहीं एक्चुअली वो बीटा वर्जन है अभी। ये देखिए यार, ड्रोन व्यू ही नहीं ले पा रहा हूँ मैं। जी हाँ, ये अब मुझे लगता है आप रहने दीजिए, ड्रोन व्यू आप पाताल में जाने की कोशिश कर रहे हैं। मैप दिखा दीजिए आप मुझे, मैप दिखाया जाएगा आपको। जी हाँ, सुमड़ी में तुमड़ी, ये घटका से नोवा की तरह जा रहा है प्लेन। एरिया कवर अप होगा यहाँ पे, जॉर्ज बुल, प्रीमोस, पोचिंग की, मिल्टन, नोवो, मिलिट्री बेस, मेन जितने भी एरिया है, सिर्फ एक दलित्र जगह को छोड़ के बाकी सारे एरिया कवर अप होंगे यहाँ पे। जी हाँ, होने भी चाहिए यहाँ पे। आप देख लीजिए यहाँ पे जॉर्जो भी कवर अप पूरा जाएंगे वहां के लिए प्लेयर, कोचिंग की तो हो ही रहा है और यहाँ पे मिलिट्री भी हो रहा है, नोवो भी हो रहा है, यासना बहुत दूर हो जाएगा तो मेरे को लग रहा है रोजॉक की तरफ तक बंदे जाएंगे यहाँ पे। उस दिन इधर जगह से तक तो आप जाना ही मत, मेरा आपसे निवेदन है। और यहाँ पे ये तो मेरे ख्याल से रोड फाइटिंग होनी वाली है यहाँ पे। ये मुझे लगता है इसी तरफ होंगे, एलएसी की टीम भी इसी तरफ होगी। ब्लैक लिस्ट यहाँ पे बढ़ रही है, मुझे ग्राउंड में दिखाइए कितने बंदे, ग्राउंड में यहाँ पे है एटोमिक गेमिंग, वाईटी, एलएससी, दून पाम, वीजे और फेथ की टीम यहाँ पे, फेथ रफ्ता, फेथ आर और फेथ एमपी, टीम वन गिल्लू, टीम वन बड़ी, टीम वन पारा और यहाँ पे टॉक्स लकी। मैच का मैच होगा, ये है इलाका फ्लैट यहाँ पे, आपने अगर बुकिंग नहीं करी है तो उतर जाइए फटाफट, अपने नाम का यहाँ पे एक फ्लैट ले लीजिए और वहां जितना भी सामान है आप फटाफट उठा के दूसरों का खेल तमाम करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ब्लैक लिस्ट उतर चुके, जमीन में उनके पांव पड़ चुके। धूम बाम दीजिए यहाँ पे, आरसी 2505 ओ ब्लैक लिस्ट डी और यहाँ पे एक और है गेमिंग वाईटी। जी हाँ, सेव सोवेल, जी हाँ सोवेल गेमिंग वाईटी यहाँ पे और एटॉमिक गेमिंग वाईटी यहाँ पे है और TDX लकी और SPS स्पेशल फोर्स का बंदा, ये सबसे पहले भदगाया हुआ है, किसने घोषित किया ये? और यहाँ पे फेथ एमपी, यहाँ पे आज देखिए क्या प्लेयर्स आए हैं, खिड़कियों के अंदर से फेथ एमपी का यहाँ पे इन्होंने धर पकड़ा, इनकी गर्दन तोड़ दी इन्होंने। और फिर डार्क अपने बंदे को बचाने जाएंगे, काली रात अंधेरा लेके साथ में घूम रहे हैं, तूफान आंधिया आएगी अगर फेथ रफ्तार साथ में निकल जाएंगे। तो इनके साथ है साइबा छोटू, यहाँ साहिबा छोटू यहाँ पे लबादा तो इन्होंने बहुत तगड़ा पहना हुआ है सामने। पता है एटॉमिक गेमिंग वाईटी काफी अच्छी तरह से खेलते हैं, फुट स्टेप लेते हैं और जैसे कोई पास में आता है उसे भून देते हैं।
मगर ये तो मैच के अंदर ही पता चलेगा आज की एटॉमिक गेमिंग पार्टी किस हिसाब का मैच दिखाएंगे, क्योंकि साइबर क्यूबा यहाँ पे भगे पड़े हुए नॉक है यहाँ पे, और साइबर क्यूबा को किसने फेथ रफ्तार ने यहाँ पे कराया, और इनके जो बंदे हैं साइबर यहाँ पे क्यूबा फेथ रफ्तार को फेथ रफ्तार है यहाँ पे टीडीएस लकी ने फेथ रफ्तार फेथ को यहाँ पे खा दिया है, फेथ लकी और डार्क बचा और साइबर छोटू यहाँ पे जो की नॉक पड़े फेथ डार्क यहाँ पे नॉक कर दिए गए फेथ डार्क को भी किसने, बहुत तगड़ा प्लेयर है, कौन है ये है नूब वाइन नूब ने कर दिया आज कमाल बैटिंग गेम दिखा रहे हैं यहाँ पे, जिस हिसाब से इन्होंने एकीएम का प्रदर्शन दिखाया है इस मेरे को लगा है इस रथ भूमि के यही रण विजेता बन सकते हैं। जी हाँ, सुपार साफ कर दिया यहाँ पे जीत का, जिन्होंने परसों का मैच जीता था आज उनका शुरू में ही सुपार साफ कर दिया। एलएसडीपी का दरवाजा तो खोल दीजिए आप यहाँ पे, एलएस बस आपका यहाँ पे हो गया गेम तमाम, कैमरा फोकस और एलएसडी मार्कोस ने यहाँ पे कैप्टन मार्कोस खुद बद के पड़े हुए हैं। जी हाँ, द अकाउंटेंट यहाँ पे पटवारी का सुपारा हो चुका है साफ, क्योंकि काफी दिनों से नहीं आए तो गेम प्लेयर्स की स्ट्रेटेजी नहीं पता है कि कौन से कैसे प्लेयर है यहाँ पे। अग्रवाल साहब यहाँ पे कैप्टन मार्कोस, कैप्टन मार्कोस यहाँ पे खेल हो चुका है, खेल होने वाला है नेगी यहाँ पे अकेले, हाइड्रायन मुझे नहीं लगता बचाएंगे वो नेगी को यहाँ पे, और हाइड्रायन सामने से देख रहे हैं और मुझे लगता है एक्स मास्टर क्लाउ ने यहाँ पे देख लिया है, यहाँ पे मुझे लगता है हाइड्रायन का खेल तमाम कर सकते हैं यहाँ पे, एलएससी दीपिका को बचाना ही पड़ेगा एलएससी पार्टिकल साहब, हाइड्रायन यहाँ पे समाप्त। लेकिन आपको पता है पटवाल जी की टीम ना एलएससी की टीम खराब करने आती है और वो खराब हो चुकी है। क्या उनके नाम पे ही मैं पटवाल साहब ने किसे खाया है यहाँ पे, पटवाल साहब की टीम ने रॉम्बस को खा दिया है, एलएस रॉम्बस खा लिया। जी हाँ, वो यही करते हैं, वो बस एक दो बंदे उन्होंने एलएससी के मार के भाग जाना, उन्होंने टीडीएक्स लकी यहाँ पे किस तरफ, ये मुझे लगता है कि मैच के बाहर से जाएंगे। नूब ने यहाँ पे एटॉमिक गेमिंग वाइटी भी काफी अच्छा खेल रहे हैं, हम यहाँ पे अब हम यहाँ से निकलना चाहिए, आप निकलना चाहेंगे यहाँ पे, तो अभी खून की गोली शुरू हुई है। जी हाँ, अब यहाँ पे थोड़ा सा गैप हो गया। जी हाँ थोड़ा सा गैप हो चुका है, तो हमें चलना चाहिए, टीम वर्क भी यहीं पे है। जी हाँ, टीम बन पा रहा है यहाँ पे, मतलब मेजर वाइट यहीं पे हुई है, मगर अभी सारी की सारी टीमें दूर दूर है, जैसे आप देख सकते हैं टीम 20 की तरफ, यहाँ पे तो अकेले हैं, मिलिट्री में ही अकेले हैं, मिलिट्री में और कोई है ही नहीं यहाँ पे, और चिंगारी कहाँ गल रही है मैप, अभी हम चलेंगे, हम यहाँ पे मैप में बने हुए हैं, आज कोचिंग की में भी ज्यादा टीमें नहीं है, सोनू यादव ने कहीं भटकाया किसी को, लेकिन चिंगारी जी हाँ ये चल रहा है, गुल्ला जी हाँ, आरस गुल्ला का हो गया खुल्ला, गल्ला खोल दिया यहाँ पे, किसने खोला यहाँ पे, बरसाती है यहाँ पे, तो इन्हें बचाएंगे रिवाइव करेंगे, और किसी तरफ चल रहा था ये मैच ग्राउंड में, वही एमबीडी सौरभ ग्राउंड में और कौन है ग्राउंड में जो थे वो चले गए। जी हाँ, अच्छा एनबीओ सोनू यादव ये अकेले बचे हुए, और ये है एगोन और एरिस, और यहाँ पे किंग बक्सी के साथ और नाइट गौतम है इनके पास, और यहाँ पे ये इलाका मुझे लगता है ये होना चाहिए लिपोप का ही है ये इलाका, और मैच चलेगा थोड़ी देर में, मैच होने वाला है स्टार्ट, क्योंकि टीम नंबर 21 के 32 बिट के फ्यूरी और 32 बिट के टाइगर यहाँ पे है, दो प्लेयर्स बचे हुए, पलड़ा मारी यहाँ पे एगोन और एरिस का है, मुझे लगता है जिस हिसाब से वो खेलते हैं प्लेयर्स एगोन और एरिस और किंग बक्सी और नाइट गौतम, बिट्टू वन को कहाँ है, बिट्टू वन को भी यही नजदीक में, ये देखिए आरपीजी कपिल और बिट्टू वन को दोनों अलग अलग है, जी हाँ ये सब अलग अलग है, बस ये 32 बिट फ्यूरी साथ में है, जी हाँ फ्यूरी और टाइगर, जी हाँ ये क्या पानी भर गए हैं, 32 बिट फ्यूरी नहीं, बिट्टू वन को भी इनकी टीम में दिख रहे हैं, जी इनकी टीम है लेकिन दूर है, काफी दूर है, जी हाँ बिट्टू वन, ये क्या चल रहा है, ये भी दूर है और ये भी दूर है, जी हाँ ये दूर है मगर है टीम नंबर 21 में, जी हाँ 32 बिट की दूरी, यहाँ पे अगर ये आ गए यहाँ पे तो मुझे लगता है किसी तरीके से रवाना हो चुके हैं, और इन्होंने इलाका छोड़ दिया, इन्होंने कहा सुरक्षा इसी में है कि यहाँ से निकला जाए, सलब था ने कार 98 पकड़ी भी, और निशाने पीजे राम रहीम टीम नंबर 10 समिता में यहाँ पे पीजे राम देव करो नील के मालिक यहाँ पे हमें दिख चुके हैं मैच में बेसक यहाँ पे, जी हाँ इलाका है यहाँ पे, ये पंचबूटी पोचिंग की, ये है पंचबूटी पोचिंग की में बाबा रामदेव हर बार गोलियां लेके आए हैं,
किसकी खोपड़ी में देंगे बबूत का इनाम? बाबा रामदेव यहाँ पे मैच खेलेंगे बहुत तगड़ा। समिता थापा आज मैच में इनके साथ नहीं सब थापा और कुणाल यहाँ पे जो नए बंदे थे ना जो उस दिन आए थे जो अच्छा खासा गेम नहीं दिखा पाए थे हम इन तक पहुंच भी नहीं गए पाए थे तो शायद आज कुछ देखने को मिले। महाकाल ने जाने किसी को भत्ता दिया यहाँ से देखिए ऊपर से देखिए आप सामने पे अगर आपको दिखेंगे तो वहाँ पे करोनील के मालिक बैठे हुए चुपचाप और करोनील के मालिक के पास नहीं है वो मुझे लगता है यहाँ पे क्या होने वाला है। पीजे रामदेव क्या करेंगे मैच में अगला जो पल है इन्हीं के पास है समझा पीछे मुझे लगता है इशारा हो चुका है पीजे रामदेव का पीछे आ जाइए करोनील के मलिक साहब यहाँ पे पीजे रामदेव जिस हिसाब से मैच खेलते हैं और ये करना क्या चाह रहे चारों तरफ धुआं फैला रहे हैं। हम एक बार देखेंगे एलएससी की टीम बची कि नहीं बची शायद नहीं बची एलएससी की टीम। यहाँ पे हैरी पापा ने आज यहाँ पे घोस्ट लीडर को गॉड बम्प ने प्रीडेटर और हैरी पापा ने घोस्ट फ्यूरी को यहाँ पे कर दिया काम तमाम। और किस पर जा रहे हैं इस तरफ जा रहे हैं ये एनिमल आइलैंड यहाँ पे है फील्ड यस अच्छा मैच खेलते हैं इनके पास है 9mm की बंदूक की सोन यहाँ पे राम रहीम शुभ गोस्वामी अच्छा गोस्वामी की बात कर रहे हो जी हाँ शुभ गोस्वामी पे किसने शुभ गोस्वामी यहाँ पे आप पंच बूटी है पोचिंग की में यहाँ पे आप रामदेव के सामने आप ऐसे खड़े नहीं होना है यहाँ पे वो अगर मारना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे मुझे लगता है 3x का बैटरिंग कॉम्बिनेशन करोनील के मालिक खुद यहाँ पे फंस चुके हैं शिकार बना दिया गया है मुझे लगता है आईने से 20 पितामा छत से नीचे कूचा हुआ पीछे करोनील मालिक यहाँ पे खतरे में राम रहीम साहब के नाम मुझे लगता है समिताभ नजदीक है तो डरने की कोई बात नहीं है। अब आ चुका गुस्सा बहुत खतरनाक पंचकूटी के यहाँ पे पंचतंत्र में कोचिंग में मजबूत टीम बाबा रामदेव की बड़ा बुलियनी यहाँ पे सिरियस गोस्वामी और सिर अतुल और हर्ष गोस्वामी है यहाँ पे गोस्वामी साहब की टीम यहाँ पे आई हुई है समिता और एस जी कुणाल और सलभ थापा जैसे अगर यहाँ पे अक्ला नितिन जैसे मास्टर प्लेयर हैं तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं यहाँ पे ये इतनी आसानी से यहाँ पे करोनील के मालिक इस मैच को जीतेंगे मगर एस जी कुणाल है जिस हिसाब से दो प्लेयर को यहाँ पे भगता है मुझे लगता है वहां से सारा इन्विटेशन कार्ड दे दिया गया किसे जी हाँ करोनील के मालिक को पीछे से जी हाँ लार टपकाते हुए आ रहे यहाँ से दौड़ते किल मिलेंगे पूरा सुपास साफ करेंगे ये है पीजे रामदेव और इनके पास है कार 98 बेहतरीन पीजे राम रहीम यहाँ पे वो दरिंदा खतरनाक इंसान पीजे राम रहीम खुले में घूम रहा है मुझे लगता है इनाम दिया जाए पीजे रामदेव पीजे राम रही बहुत खतरनाक यहाँ पे और जिस हिसाब से कौन यहाँ पे मुझे लगता है राम रहीम जा चुके राम रहीम यहाँ पे खुले में घूम रहे थे मैं कह नहीं रहा था खुले में नहीं घूमना आपने पीजे रामदेव यहाँ पे मुझे लगता है थोड़ा सा प्लान नितिन मैं कह नहीं रहा हूँ ये छोटा मोटा प्लेयर ना भी जा चुके हैं तो जी हाँ ये छोटा मोटा प्लेयर ना समझिए क्लॉ नितिन क्षमता रखते हैं पूरे के पूरे टीम का सुपाड़ा साफ करने में अकेले ही और एलिस ने यहाँ पे फ्यूरी त्रिशा का कर दिया काम तमाम नाक तोड़ के लड़की को भेजा वापिस लॉबी में और क्लॉ नितिन तो यहाँ पे मेरे ख्याल से समिताभ यहाँ पे इशारा हो चुका है मुझे लगता है रामदेव साहब ने कहा है आज पीछे करोनील के मालिक पीजे रामदेव ऐसी नहीं पांच बूटी के इस कोचिंग की में आज चलवाए उसने यहाँ पे देखिए ऊपर नीचे दाएं बाएं करके इसे बोलते हैं स्ट्रैटेजी और किसे ये देख रहे हैं मुझे लगता है यहाँ पे से आईएनएस के बीस पितामा क्या यहाँ पे जी हाँ नेट करेंगे मुझे लगता है यहाँ पे ये डालेंगे यहाँ पे बहुत तगड़ा चारों तरफ से खत्म ही कर दिया गया जाने वाले को ऐसे इतने नहीं दिखाना चाहिए दुख होता है जबकि मरते समय दिखा रहे हैं फाइट ना दिखाई गई हो और यहाँ पे क्लॉ नितिन मुझे लगता है वापस हील हो चुके हैं और क्लॉ नितिन को गुस्सा इन्होंने बहुत तगड़ा दिलाया है फिट पहाड़ी से कोई नहीं बच सकता जी हाँ फिर डेमोन वर्पर ब्रो जी हाँ और यहाँ पे सागर साहब कह रहे हैं और आईएनएस के बीस पितामा मुझे लगता है इस हिसाब से ये देखिए मुझे लगता है ये है समिताभ और आईएनएस के बीस पितामा और करोनील के मालिक चारों तरफ से इन्होंने जगवाए उसने यहाँ पे क्या रहा था
क्या बॉलिंग चल रही थी यहाँ पे, क्या स्पिन किया गया टीजर रामदेव के साथ। मैं बॉल फेंकेंगे, बॉल फेंकेंगे आप। और इन्होंने टीजर रामदेव ने एनिमल शील्ड को यहाँ पे खत्म कर दिया। और यहाँ पे पंच बूटी के कोचिंग की में विजय पताका फहरा दिया। आसमान को कह दो और ऊंचा हो जाए, क्योंकि कोरोनिल का मालिक यहाँ पे घूम रहा है। तो अब चलेंगे हैटर एक्स वगैरह और टीमों के पास भी चलेंगे। जी हाँ, जिस हिसाब से मैच खेला गया है, आयरन कू को लगा है चक्कू, लॉबी गए हैं। जी हाँ, आयरन अक्कू चक्कू लग गया। और ये एनआई यही तो थी फ्यूरी रिशन, फ्यूरी एडियन, आयरन अक्कू, केवल निक बचे हैं। और निक के साथ में है, निक यहाँ पे किस पोजिशन में बैठे हुए हैं? जी हाँ, थोड़ा सा गलत पोजिशन में दिखा रहे। एक्चुअल में आपको बताऊं, ये बाथरूम ही है ये हंटर एक्स का पहुंचा है यूके 07 के हंटर एक्स का। वो उनके पास हथियार है, उनपे क्या था, क्या जो ओपनिंग मास्टर ने पकड़ रखा था, क्रॉसबो। अच्छा, क्रॉसबो से वो करेंगे आप। और यहाँ पे देखिए प्रीडेटर और हैरी पापा, सामने खेल तमाम कर दिया यूके 07 के हंट्रैक्स के सामने। आप ऐसे नहीं खड़े हो सकते जब तक यूके 07 हंट्रैक्स है ना, तो मैच में तब तक आप ऐसे खुले में खड़े ना होइए। आप पत्ते पुत्ते देख लीजिए वहाँ छुप के आप मारिए। यहाँ पे मैथ्यू यहाँ पे महाकाल रुद्रा, महाकाल निंजा और गोकुर रॉबी यही पे है बने हुए। और ये है 8X M24। मुझे आसपास ही हैं हंटरेक्स की टीम के। जी हाँ, और यहाँ पे ये क्या, यहाँ पे ये कौन है, यहाँ पे टीम 20। जी हाँ, यहाँ पे है, ये है रोचिना। और ये है एक्सरे, और ये है करार सेठ, और ये है तुषार हरपाल। यहाँ पे क्या है, एक्सरे, PSY, तुषार हरपाल। यहाँ पे तुषार हरपाल भी बहुत तड़ा मैच खेलते हैं। यहाँ पे टीम नंबर 18 को बता दिया, नाम ले लिया। और खतरनाक कातिलों का हुस्न यहाँ पे दिख गया है। तुषार हरपाल ने निपटा दिया एक बंदे को, और टीम नंबर 18। और यहाँ पे क्या करेंगे, खुले में M416 इनकी फेवरेट बंदूक है। जब इनके हाथ में होते घुमा घुमा के ये मारते हैं। और ये देखिए, मुझे लगता है इस टीले का सहारा लेते हुए टीलू मास्टर यूके 07 के अंट्रैक महात्यारी ने मिल चुका है काम तमाम करने वाला। मुझे लग रहा है इनके पास वो नहीं है, क्या स्कोप नहीं है, स्कोप है इनके पास। ये इसका नाम कचरा सेठ। जी हाँ, कचरा सेठ नाम की ये है कचरा सेठ। आपने फिर हेरा फेरी में नहीं दिखा है कचरा सेठ में बैठे हुए, तो कचरा सेठ यहाँ पे यूके 07 का। मुझे लगा कचरा सेठ यहाँ पे करेंगे। उषा देवी स्टार टेबल है क्या, अलाइव SRT Devil। अब मुझे जी हाँ, देखा जाएगा, जल्दी देखा जाएगा। एक बार हमें तुषार हरपाल का देखना चाहिए। जी हाँ, यहाँ पे मुझे लगता है तुषार हरपाल यहाँ पे यूके 07 के अंट्रैक्स से, मुझे लगता है तरह से पास हो गया यूके 07 अंट्रैक्स को पता लग गया कि तुषार हरपाल यही कहीं पे घूम रहा है। और यूके 07 के अंट्रैक्स मुझे लगता है यहाँ पे बेहतरीन पोजिशन में, पूरा कवर अप है, लकड़ी का पूरा खोमचा उनके पास है। रोहान ओपी यूके 07 के एंट्रेक्स, मुझे लगता है तुषार हरपाल यहाँ पे। और ये कौन आया नजदीक में तुषार हरपाल यहाँ पे यूके 07 एंट्रेक्स के पीछे से। अरे अमन और एरिस यहाँ पे मैच में आगे डीपी लेके यूके 07 एंट्रेक्स, बस इन्हीं से बचना होगा क्योंकि इनकी लेजर बीम यहाँ पे लगी है। क्या यहाँ पे ये पहले ड्रॉप जी 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 वो अब हो जाएगा पिसाई, अब होगी चक्की पिसाई। जी हाँ, यहाँ पे अंदर बैठिए आप, अंदर घुसिए। आएगा साहब, ये है अजर, खतरनाक निकल जाता है एक सांस में, पूरे के पूरे 24 प्लेयर खा सकता है ये, इतना खतरनाक है। एक प्लेयर खा चुके हैं, PSY रोचिना को खाया किसने। और यहाँ पे जिस हिसाब से एक्सरे का एक्सरे होने वाला है, जो भी नाम है उनका जिक्सरे, कचरा सेठ यहाँ पे मुझे लगता है आज कचरा सेठ ने भी तोड़ दिए। वो कौन सा भिखारी था वो नहीं दिखा। एक्चुअल में अगर इस नाम का प्रोनाउंसिएशन सही नहीं हो रहा, आप कमेंट में बता देना कि नाम एक्चुअल में है क्या। दिलवर अमन दिलवर है। जी हाँ, इस मैच के बाद बढ़ेंगे आप तो कोई हमें लगने SRT जा चुके हैं। उषा देवी जी कह रहे थे SRT डेविल वो जा चुके हैं, मैंने देख लिया वो खत्म हो चुके हैं, उनका सुपाड़ा साफ हो गया, उसी पे कैप्टन रंग। मुझे नहीं लगता कि दिलवर अमन भी शायद बचे हैं कि नहीं बचे। जी हाँ, मगर यहाँ पे NBO सोनू यादव महाकाल रुद्रा की तो पूरी टीम है यहाँ पे। जी जी, दिलवर अमन बचे, कैसे बोल दिया मैंने। जी हाँ, और यहाँ पे स्टार प्लेयर लास्ट टाइम के बहुत खतरनाक खेल रहे, इन्होंने ही शैक्षणिक संस्थान के अंदर, याद है आपको, LSC और PJ रामदेव की पूरी टीम को भस्म कर दिया था वहीं पे शैक्षणिक संस्थान के अंदर, यानी कि स्कूल के अंदर। तो ये है तुषार हरपाल के पास ये M24 है, और इनके पास है उसका सप्रेसर, जिसे कुछ
चुकी आवाज में गोली मार दी जाती है। रश कर दो यार, बहुत हो गया। तो अभी पता चलेगा कि रस कर रहे हैं कि जा रहे हैं। चाय रस बन जाएगा वरना तुले में। तुषार हरपाल नहीं बैठ पाए। अब मुझे लग रहा है उन्हें लग रहा है कि ये बैठ गए। और UK07 Hunter X मुझे लगता है यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, ये रस करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, UK07 Hunter X के निशाने पे आ रहे हैं। UK07 Hunter X के निशाने पे आ रहे हैं यहाँ पे। आप हो जगह का खेलता हूँ, मगर इनके लिए बहुत हानिकारक है, खतरा है। ये देख रहे ये चले जाएंगे, पर मामला निपटाने वाली चीज है इनके पास। हाँ, मगर इनके ऊपर ना निशाना बैठ सकता है। अगर ये मुझे लगता है एगोन और एरिस, मैं कह नहीं रहा हूँ कि एगोन और एरिस द्वारा यहाँ पे हो सकता है। उनके पास वो उधर पे निशाना बना रहे थे, मगर वो खुद निशाना बन सकते हैं। UK07 Hunter X यहाँ पे हील कर गए, कचरा सेट यहाँ पे अंदर घुस गए, एक्सरे भी है यहाँ पे। तुषार हरपाल के निशाने पे कौन है अभी भी देखेंगे क्या। मुझे लगा है ये खोज भी में UK07 के यहाँ पे और कौन से प्लेयर है यहाँ पे, हंटर एक्स है, रोहान ओपी है, और यहाँ पे TDX के लकी टीम 12 अकेले। छह बंदे मारे इन्होंने। जी हाँ, छह बंदे मारे टीम नंबर 12 से। गाड़ी इनकी पुकवानी हो रही है और अंदर बैठ गए किंग बक्सी और एगोन और एरिस यहाँ पे निकल चुके हैं। इन्होंने कोई ड्रॉप लूटा जाए, ड्रॉप दिलबर एवन कैन डू चिकन डिनर, वो देखा जाएगा क्या हो सकता है। लास्ट टाइम पे जो उन्होंने लास्ट मैच में जो उन्होंने खेला था, अगर आपके रोंगटे खड़े ना हो जाए ना, ऐसा मैच उन्होंने खेला था लास्ट टाइम पे। बस थोड़ा सा चूक हो गई थी, अगर वो बंदा डिजर्व करता था लास्ट टाइम पे। और ये अक्षय कुमार की तरह मैं नहीं कह रहा हूँ, ये फेस की टीम ने कहा था जब उन्होंने मैच देखा कि हाँ वो बंदा डिजर्व करता था। तो कचरा सेट यहाँ पे UK07 Hunter X UK07 Hunter X यहाँ पे जिस हिसाब से मैच खेल रहे, मुझे लगा थोड़ा सा अब टीम का सपोर्ट लेके अकेले बच्चे मुझे लगता है तुषार हरपाल कुछ करने वाले हैं। तुषार हरपाल यहाँ पे मुझे लगता है आज UK07 Hunter X के आज यहाँ पे मौत करके ही रहेंगे। और एक्सरे ने किसे मारा, UK07 Hunter X यहाँ पे खा लिया। और उनके पास जो मामला था वो अब उसके मालिक वो है, तगड़ा मामला था। दिलबर अमन पे चलेंगे। जी हाँ, अब दिलबर अमन पे डेविल ना वो लास्ट टाइम पे यहाँ पे वीर योद्धा। जी हाँ, प्ले जो उनसे निक मारेंगे फ्यूरी त्रिशा के थे वो। जी हाँ, जी हाँ, वो अकेले छुपे हुए थे। डेविल नवू टीम 19 पे आ गए हैं। जी हाँ, यहाँ पे दिलबर अमन, कैप्टन विराज, मिस्टर रॉबी, मैच का मैच अनोखा होगा, शानदार, जबरदस्त, क्योंकि खतरनाक। यहाँ पे दिलबर अमन, डेविल नवू, मिस्टर रॉबी और कैप्टन विराज के नेतृत्व में ये टीम आज खासा अच्छा प्रदर्शन करेगी। ये तो हालात बाद में ही पता चलेगा, क्योंकि दिलबर अमन और डेविल नवू जिस हिसाब से खेलते हैं, कैप्टन विराज और मिस्टर रॉबी, अभी तक कोई किल नहीं है। मुझे लगता है स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, आज कोशिश करेंगे किसी भी तरीके से इस मैच का जो है ताज अपने सर पे पहना जाए। और क्या ये आज जीतेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो वक्त और मैच को बदलने में देरी नहीं करते हैं, हालात के साथ वो ऐसे खेल जाते हैं कि अच्छे अच्छों को भगा देते हैं। और मुझे लगता है ये जोन छोटा हो रहा है धीरे धीरे करके। तो मैप दिखा दीजिए, आप मैप दिखा दीजिए तो दिखा देंगे। लेकिन ये 32 बिट की जो टीम है ना, बिट्टू वन को से बिल्कुल अलग है जी। तो क्या हो सकता है, ये अलग अलग क्यों खेल रहे हैं, साथ मिलके क्यों नहीं खेल रहे हैं? वो कुछ मुझे लगता है ये स्ट्रैटेजी बना रहे कि दो आप उधर रहिए, दो आप इधर रहिए, उस हिसाब से खेलेंगे। कैप्टन रंग तो जमीन में पड़े हुए हैं, ये कोई टाइम थोड़ा लेटने का। तो आप क्या चाह रहे हैं कि गाड़ी लेके पूरे इलाके के चक्कर मारे? वो उनकी स्ट्रैटेजी है, वो उनका गेम है, वो जिस हिसाब से खेले हम नहीं कह सकते। INS के 20 पितामह पीजे रामदेव, करोनील के मालिक, यहाँ पे मुझे लगता है लोगों को ढूंढ रहे हैं जिस हिसाब से इन्होंने कोचिंग भी खेला, बहुत बढ़िया मैच खेला इन्होंने। और कैप्टन रंगतू और बॉबी और भूमि के योद्धा भी यही नजदीक में है। कैप्टन रंगतू, भूमि के योद्धा टीम नंबर 23 से, और बॉबी यहीं पे कैप्टन रंगतू। ये वही है काम है बॉबी क्या? नहीं, मुझे नहीं पता है। अगर वही है तो मुझे लगता है काम बॉय बॉडी को यहाँ पे, मुझे लगता है कैप्टन जो रंगतू है वो बता देंगे कमेंट के माध्यम से मैच के बाद कि ये वही काम है, काम बॉय बॉडी यही है। जी हाँ, आप अरे इतना बेहतरीन नाम, मुझे अगर उन्होंने चेंज करा तो मैं तो बिल्कुल ही नाराज हो जाऊंगा। ये इतना बढ़िया नाम था उनका, काम बॉय बॉबी। जी हाँ, कार 98 इनके पास है और ए टैक्स इन्होंने रखा हुआ है। और मिस्टर डेविल नवू यहाँ पे, दिलबर अमन, कैप्टन विराज यहाँ पे, TDX लकी, बहुत बेहतरीन, मैथ्यू यहाँ पे, जोन के नजदीक से होते हुए जा रहे हैं। क्या लगता है आज आपको कौन जीतेगा? जी कमेंट के माध्यम से बताया कि दिलबर अमन कैन डू द चिकन डिनर। जी हाँ, कमेंट के माध्यम से आप सभी लोग बता दीजिए कि आज कौन जीतने वाला है,
क्योंकि टीमें देखिए एगोन और एरिस की है, एनबी और सोनू यादव की है, और सविता हरपाल फिर आ गए। जी हाँ, तुषार हरपाल और महाकाल, आज महाकाल भी काफी देर तक है, मात्र 32 प्लेयर बचे हैं, और 32 बिट के फ्यूरी भी अभी तक है, और आरपीजी का पिलर बिट्टू वन को 32 बिट डिगर, और तुषार हरपाल जिस हिसाब से आज मैच खेल रहे हैं बहुत धमका के रखा इन्होंने, यूके 0700 डेविल वाला हेलमेट है, ये यहाँ पे ये चढ़िए आप ऊपर से चढ़िए, मामला इनके पास बंदूक है लाल वाली, तो आसपास कौन कैप्टन रंग तो है, काम बाय बॉडी यही है वो। जी हाँ, तो यहाँ पे बॉबी साहब, बॉबी यहाँ पे बॉबी, यू नो कुछ हिंदी की गणित आपको आती है, कर दिया है डेविल नबू, अपने आपको हील करेंगे, और यहाँ पे कैप्टन विराज, कैप्टन विराज स्वराज की तरफ, स्वराज की तरफ मुझे लगता है यहाँ पे कर दिया आज यहाँ पे धमा आप कितनों को भूलेंगे यहाँ पे डेविल नबू दिलवर अमन फिर से यहाँ पे कम एनर्जी होने के कारण बीस पितामा आने से बीस पितामा यहाँ पे बहुत ज्यादा चोटी लोर के समिताभ ने स्मोक करा है पी रामदेव के मालिक यहाँ पे डेविल नबू, पिछली बार जो शैक्षणिक संस्थान में जो डेविल नबू ने पीजे रामदेव का सुपारा साफ करा था वो देखने लाया था, मगर यहाँ पे लकी थोड़ा सा यहाँ पे आज जो है कवर नहीं होने के कारण आज इनकी चटनी भी बनती है, क्योंकि ऊपर से टीडीएक्स के लकी फिर नॉक हो गए, ऊपर से टीडीएक्स के लकी भी देख रहे हैं, लकी की तरफ देखिए आइए, लकी भी जरा क्लिक किए क्या उन्होंने देखा है, जी हाँ उन्होंने देखा है कैप्टन विराज को, उन्होंने खा लिया क्योंकि यहाँ पे हो चुका है गवासन युद्ध, टीडीएक्स के लकी पूरा किल ले सकता है ये बंदा, ये ऐसी जगह पे ये पूरे किल ले सकता है ये बंदा, क्योंकि बहुत सारे निशाने पे, जी हाँ उनके लिए थोड़ा सा पॉजिटिव है बट यहाँ पे इनके लिए नेगेटिव हो चुका है, क्योंकि कोरोना नेगेटिव, यहाँ पीजे रामदेव कोरोना नेगेटिव होना तो खानी पड़ी कोरोनिल, जी हाँ यहाँ पे पीजे रामदेव बहुत यहाँ पे जो है अपने बंदों को बचाना ही पड़ेगा, अपने बंदों को बचाना ही पड़ेगा यहाँ पे टीडीएक्स नाइन किल हो गए, जी हाँ कह नहीं रहा हूँ टीडीएक्स के लिए सुनहरा मौका है, चारों तरफ यहाँ पे चलते फिरते निशाने घूम रहे हैं, चलते फिरते निशानों को टारगेट बनाइए आप शूट कर दीजिए, एगोन यहाँ पे गुफा के अंदर है और एरिस का इशारा हो चुका है, बॉबी साहब यहाँ पे और यहाँ पे कैप्टन रंग चुका है, यहाँ पे डेविल नबू जा चुके हैं, डेविल नबू अभी नहीं गए, डेविल नबू यही है, जी हाँ डेविल नबू यहीं पे है और डेविल नबू का साथ दे रहे हैं मिस्टर रूबी, और यहाँ पे हो चुका है क्या कोरोनिल के मालिक जा चुके हैं, कोरोनिल के मालिक पूरी की पूरी गैंग जा चुकी है, महाकाल रुद्रा ने खेल दिखाना शुरू कर दिया, महाकाल रुद्रा है किस तरफ यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जो टीडीएक्स लकी के बहुत सुनहरा होगा, अरे कौन मार दिया उन्होंने, जी हाँ क्या कर रहे हैं, टीडीएक्स लकी बहुत तगड़ा खेल रहे हैं, उन्होंने डेविल नबू को नॉक कर दिया, जी हाँ इन्होंने स्थिति का जायजा लिया, इन्होंने भापा चारों तरफ से, अब जाके थोड़ा सा डेविल नबू को मौका मिलेगा हील करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे एगोन और एरिस की टीम यहाँ पे पड़ चुकी है, लकी का यहाँ पे सुपारा साफ करेगी अगर ये यहीं पे रही तो देखा जाएगा कि होने क्या वाला है, आप वहाँ पे रहिए मुझे लगता है यहाँ पे एगोन और एरिस ने सोचा कि थोड़ा सा कवर लिया जाएगा, थोड़ा सा कवर लेने के बाद क्या ये यहाँ पे ड्रॉप लूट में आइए, यहाँ पे ब्लैक लिस्ट ने यहाँ पे सर्जी काम तमाम किसका, महाकाल निंजा यहाँ पे, महाकाल लुद्रा यहाँ पे, गाड़ी से हील यहाँ पे होगा, और गाड़ी बीच रास्ते में लगाई गई है महाकाल लुद्रा, और ऊपर से कौन है प्लेयर यहाँ पे दो है, महाकाल ग्राउंड में दिखाइए, महाकाल लुद्रा पूरा इलाका ही ग्राउंड में, पूरा इलाका ग्राउंड में, और काफी खतरनाक फाइट होने वाली है, पीसी है होने लगा है, आग लगने लगी है पीसी है, आप यहाँ गाड़ी निकालिए, आपको थोड़ा सा आने जाने की जरूरत है, और यहाँ पे खुद यहाँ पे थोड़ा सा इन्हें हील करना पड़ेगा, क्योंकि आरस गुल्ला ने ऊपर से 32 विकेट डिगर, यहाँ पे भी 2-1 को अब साथ हो चुके हैं, ये थी इनकी स्ट्रेटेजी, अगर कोई कहीं पे अगर नॉक होता तो कोई ना कोई बचाएगा टीम में, टीम नंबर 21 यहाँ पे है 32 विकेट डिगर, यहाँ पे आरपीजी कपिल लास्ट में इकट्ठा हुए एक साथ, और यहाँ पे गाड़ी की मैच खेलते हैं ये उठने से पहले और सोने के बाद खेलते हैं सिर्फ,
और ये है मैथ्यू, मैथ्यू यहाँ पे महाकाल रुद्रा की टीम से, महाकाल निंजा और एनबीओ के सोन यादव और 32 बिट के फ्यूरी और बॉबी और भूमि के योद्धा दून बाम बीजे मैच में भी बने हुए एगॉन और एरिस। यहाँ पे मुझे लगता है 32 बिट के डिगर, 32 बिट के डिगर खा लिया इन्होंने 32 बिट के डिगर को। अब बिट्टू बन को यहीं पे है क्या एरिस जी? हाँ, आपने आपको हील कीजिए, अब यहाँ को हील कीजिए। और एरिस ने आज यहाँ पे बहुत तगड़ा यहाँ पे मैच खेल रहे हैं। और नीचे से कौन आया, नीचे तो कौन आया, जिस हिसाब से इनकी टीम खेल रही है किंग बक्सी और एरिस, यहाँ पे ये देखिए लास्ट मैच ये जोन बन रहा है, लास्ट मैच का ये जोन बन रहा है एगॉन और एरिस। सरदारी सपेरे टेबल नबू ने मैच स्टार्ट कर दिया है टॉक्सिक यहाँ पे। जी हाँ, यहाँ पे किंग बक्सी को, किंग बक्सी को नाइट गॉथम, नाइट गॉथम को। अरे यहाँ पे जिस हिसाब से मैच आज आपको लग रहा है कौन खेल रहा है, टीडीएक्स के लक्की साहब, टीडीएक्स के लक्की साहब आज के मैन ऑफ द मैच बनते जा रहे हैं। TDS के लक्की साहब अकेले हैं मगर इस हिसाब से वो मैच खेल रहे हैं, आज पूरा उन्हीं का ही है मैच यार। TDS के लक्की साहब 11 किल पीजे राम देख रहे के मालिक ये निपटा, ये तो उस समय तो अकेले प्लस पॉइंट हो गया ना, ऊपर से चलते फिरते निशाने थे, बस उन्होंने बस भून दिया। बम बीजे हैं ऊपर, दून बम बीजे खिड़की से यहाँ पे निशाना लगा रहे हैं। और महाकाल की टीम भी नीचे ही है, महाकाल अरे ये इस गाड़ी, ये गाड़ी से वो आ भी नहीं सकते, उन्हें ऊपर से खिड़की से कूद जाना पड़ेगा। तो देखा जाएगा कि होने क्या वाला है यहाँ पे, क्योंकि इतने छोटे ग्राउंड में इतनी टीम है। जी हाँ, और टीम है यहाँ पे इतने छोटे ग्राउंड में, 23 योद्धा और यहाँ पे 23 के बॉबी और आजगुल्ला और यहाँ पे और 11 मात्र 11 प्लेयर, एनबीओ के सोनू यादव यहाँ पे, बॉबी और मुझे लगता है यहाँ पे मैथ्यू, एनबीओ के सोनू यादव, आजगुल्ला, टीडीएक्स लकी बहुत बेहतरीन आज टीडीएक्स के लकी खेल रहे हैं। अगर वो जीत जाते हैं तो मैच मतलब उन्हीं के होना है, फिर 11 किल है उनके पास। और महाकाल रुद्रा आपको क्या लगता है यहाँ पे इनमें तो कौन जीतेगा निशाना जी, 5, 12, 14, 23, 24? जी मुझे जो लगता है कि महाकाल जीत सकते हैं, मुझे तो आज ऐसा क्यों लग रहा है कि टीडीएक्स का लकी मैच को ले जाएगा। काफी सरनाटा हो चुका है जी हाँ, तो मैं वही आप तो कमेंट के माध्यम से हमने अपने व्यूअर से पूछा जाए ना जी हाँ, आप बताइए कि कौन सी टीम आपको लगता है कि ये मैच जीतेगी, क्योंकि यहाँ पे एनबीओ सोनू यादव की टीम है, टीडीएक्स लकी अकेले बचे हैं, महाकाल रुद्रा के तीन प्लेयर है, बॉबी अकेले बचे हुए हैं, दून बाम बीजे और आरसी 2505A और डी के ब्लैकलिस्टेड अकेले बचे हुए नहीं, ये तो 24 में ही है। तो ये है अंतिम दौर, यहाँ पे सर्कल हो चुका है, क्लोज नजदीक पे ही है, निशाने पे आ चुके हैं, निशाने पे आ चुके हैं, टीडीएक्स लकी निशाने पे आ चुके हैं, महाकाल रुद्रा को पता चल चुका है कि ऊपर से कोई ना कोई है, नजर रहेगी जी हाँ, नजर रहेगी यहाँ पे अदून बाम बीजे। मगर मुझे लगता है अगर वो वहां से हिले नहीं, मुझे जोन देखना है क्या ये वो जो इलाका है वो वहां पे आ रहा है, आप जोन देखेंगे तब तक खेल नहीं। अदून बाम बीजे ने महाकाल रुद्रा का यहाँ पे कर दिया जी हाँ, टीडीएक्स के लकी के पक्ष में ही है ये लोग, तो देखा जाएगा अगर टीडीएक्स लकी जा रहे हैं तो उनके लेट्स ऑफ। देखिए 11 किल के साथ है टीडीएक्स लकी, जिस हिसाब से उन्होंने मैच खेला वो आसानी से उस समय एगॉन और एरिस कर सकते थे उनका सुबाड़ा साहब, मगर गए नहीं उस तरह। अब महाकाल निंजा यहाँ पे, महाकाल रुद्रा को अभी बचा रहे हो, ऊपर वाले नीचे नहीं आ रहे, नीचे वाले ऊपर जा नहीं सकते, और ऊपर से ऐसा क्या हो रहा गाड़ी है ना यहाँ पे, जी हाँ गाड़ी फंसा रखी है, कोई नई ट्रेक है, ऐसे फंसी हुई पहली बार देखी है नहीं, वहाँ पे गाड़ी इन्होंने लगाई यूट्यूब पर, ये तो बिट्टू बब्बू करता है ऐसे जी। आरसगुल्ला किस तरह मौत की तरफ जा रहे हैं, आरसगुल्ला देखिए आरसगुल्ला कहाँ जा रहे हैं, मुझे आरसगुल्ला गलत जगह जा रहे हैं, मौत हो जाएगी यहाँ जाएंगे तो। आरसगुल्ला क्या पता है यहाँ पे, आरसगुल्ला यहाँ पे पता है, आरसगुल्ला यहाँ पे कहाँ पे है जी हाँ, अरे यहाँ पे आरसगुल्ला किसे देख रहे हैं, यहाँ पे लकी साहब आर बच्चे में ये देखने योग्य होगा कि टीडीएक्स और आरसगुल्ला में कौन बचे, यहाँ पे महाकाल रुद्रा, महाकाल रुद्रा भी इसी के साथ आरसगुल्ला ने टीडीएक्स लकी का, यहाँ आरसगुल्ला ने टीडीएक्स लकी का कर दिया खुला, अगर भर दिया आपने गल्ला, क्योंकि यहाँ पे महाकाल निंजा नीचे से आएंगे, महाकाल जी हाँ आपका कहीं ना कहीं भविष्यवाणी आपके सत्य होते भी दिख रही है कि महाकाल जीतेगी, और क्योंकि महाकाल के 6 किल है टीम के पूरे, दो बराबरी का सबने कंट्रीब्यूशन दिया है, आरसगुल्ला 1 किल के साथ, दून बाम बीजे अकेले हैं। अब मुझे लगता है अब आप किसी तरीके से अगर इनके इनका एक प्लेयर अगर चला जाए तब यहाँ पे होगा फुकानी से पूरे रंग, आरसगुल्ला ने जो चमका दिया ना, महाकाल रुद्रा, महाकाल निंजा, अरुण बाम बीजे, और यहाँ पे ये जोन अब क्लोज होने वाला है, तो एक तरफ मैच हो चुका है। अगर
कोई चमत्कार ही धूमवा विजय को बचा सका। जी हाँ, और जी हाँ, क्योंकि अभी वो सर्कल है अभी लास्ट वाला जिसमें अभी इन्हें जाना ही पड़ेगा। क्या इस खिड़की से कूद सकते हैं बाहर? ये चमत्कार ही हो जाएगा बहुत ज्यादा। नहीं कूद सकते, आ जाओ आप ऊपर की तरफ से। ये एक तरह गेम हो चुका है 3v1। जी हाँ, अब आना ही पड़ेगा उन्हें। आज ये आ रहे आ रहे आ रहे। जी हाँ आ रहे हैं, देख लिया देख लिया। जी हाँ विजय को खत्म करा यहाँ पे, क्योंकि कूदना ही था उन्हें, आना ही था ऊपर से इसी के साथ। वो बचे भी अकेले थे ना। जी हाँ, तो इस वजह तो ये आज का हुआ बेहतरीन जोरदार शानदार मैच मैच। यहाँ पे बहुत सारे प्लेयरों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन करा और हमें उम्मीद है आगे भी ऐसी प्रदर्शन करेंगे। और अपने कमेंट के माध्यम से अगर आपको कमेंट किया कीजिए, कमेंट करने से आपकी उंगली नहीं खींची थोड़ा सा तो नहीं नहीं, आप ऐसा मत कीजिए। आप कमेंट के माध्यम से किसी को जो प्लेयर जा चुके हैं या आ रहे हैं तो आप बता सकते हैं कि अगर कुछ नया मैप करवाना या कुछ वो तो आप उसके हाँ, लिए बोल आप अपने राय रखे कीजिए, डिस्कॉर्ड में कमेंट छोड़िया कीजिए। ध्यान डिस्कॉर्ड में छोड़िए, आप ही के लिए है, आप ही के लिए बना है। नहीं तो 2464 वो है क्या? नहीं मैं तो अपने इलाके का बताने लग गया था, वो पर्सनल चीज लीक हो रही थी यहाँ पे। मैं 24 क्या है आपका पिन कोड? 2480001001। तो मेरे को चिट्ठी लिखना था, चिट्ठी पत्री के माध्यम से भी बता सकते हैं। तो डिस्कॉर्ड में बातचीत किया कीजिए और बोला कीजिए कि कौन सा मैच कराना कैसा। नहीं आप ऐसे नहीं, आप उसमें वोटिंग पोल कीजिए, लोग क्लिक करेंगे जिसको ज्यादा वोट। पोल क्या जाएगा, पोल कैसे करते हैं वो सीख के आना पड़ेगा। तो नहीं पोल होते हैं और आप पोल करवाइए, उसमें जिसमें ज्यादा वोट पड़ेंगे वही उस दिन मैच होगा। तो अभी हमने घोषणा कर दी वही उसी दिन का मैप होगा यहाँ। मगर आज महाकाल ने क्या तगड़ा मैच खेला, क्या बेहतरीन मैच खेला आज, बहुत बढ़िया खेला मैच, गजब मैच खेला। टीडीएक्स लकी ने तो को तो नाश्ता मिल गया था, सारा माल खाया अकेले। अरे अगर वो जीत जाते ना हाँ तब तब बेहतरीन गेम था यहाँ पे। जी तो इसी के साथ विदा लेते हैं। मैं हूँ कैली और मैं हूँ निर्वाण, तो मिलेंगे थोड़ी देर बाद मेरे सड़े हुए गेम प्ले के साथ। अरे चलो बाय बाय, तो मैच में मिलेंगे कल। So fast, all time.